बालाघाट जिले के बारा सिवनी में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां चोरों ने पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर जयस्तंभ चौक स्थित वर्मा मोबाइल शॉप के शटर का ताला तोड़कर करीब 4 से 5 लाख रुपए की मोबाइल एसेसरीज व नकदी पार कर दी। दुकान संचालक अतुल वर्मा ने बताया कि रविवार को जब उनके पिता आलोक वर्मा द्वारा प्रतिदिन की तरह दुकान पहुंचे तो दुकान के दोनों ताले टूटे थे। इसके संबंध में उन्होंने मुझे जानकारी दी, इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी, साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। क्या नाम आपका? अतुल वर्मा। वर्मा जी, आपकी दुकान में चोरी हुई, क्या क्या माल चोरी हुआ, कैसे घटना? मोबाइल जैसे पूरे जो बड़े बड़े मॉडल थे, प्रीमियम मॉडल रहते हैं हर कंपनी के, वो सेट उन्होंने काटी ले लिया चोर ने। एक ही आदमी था वो। और आपका ये जो मतलब बर्ड्स हो गए, आपके वॉचेज हो गई, जो मेन मेन चीजें हैं, ये पूरी कितने नग गए हैं? लगभग लगभग 10 से 12-13 पीस होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये अभी मतलब हम लोग बना ही रहे हैं, और ये घड़ियाँ कम से कम लेंगे तो 15-20 होगी। और इसके अलावा क्या सामान गया? इसके अलावा कैश, हाँ कैश भी रखा, ज़्यादा नहीं रखा, 20-25 हज़ार रुपये के आसपास तक है। ये कैसे, क्या घटना कैसे हुई और कब हुई है ये घटना? 3 बजे के आसपास का समय समझ में आ रहा है, 3:20 के आसपास का, और उसके बाद का समय 3:20 से लेकर आधे घंटे के अंतराल में 2 बार एंट्री हुई उसकी, और 2 टुकड़ों में उन्होंने सामान लेके गया। मेरे LIC के बॉन्ड्स हैं बहुत सारे, 2-3-4, और एक तो इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो भी गायब है, साथ ही साथ में चेकबुक थी कम से कम 4, वो चेकबुक भी गायब है, एक पासबुक गायब है, अंदाजन लगाएंगे 4-4.5 लाख। जयस्तंभ चौक थाने के निकट चोरों ने धावा बोला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, अभी सुबह सूचना मिली है, दुकानदार ने सूचित किया है कि ये वर्मा मोबाइल जो है जयस्तंभ चौक पर, यहाँ चोरी की घटना हुई है। हमारी पूरी टीम पहुँच रही है, थाना प्रभारी हूँ मैं हूँ, और हमारे बाकी जो यहाँ थाने के सदस्य हैं, और हम लोग इसका जल्दी पता लगा लेंगे। चूँकि सर अपराधी के लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, चोरी के मामले बढ़ रहे हैं, क्या पुलिस क्या प्रयास है रात्रि के गश्त के? रात्रि कल गश्त मैंने चेक करी थी और गश्त थी यहाँ पर, बट यदि ये घटना हुई है तो सर इसके अलावा भी प्रयास किया गया है? हाँ, एक दो जगह और प्रयास किया गया? नहीं, अभी उसको नहीं बता सकते हैं, वो जांच आने पर ही पता चलेगा उसके बाद। सर कितने युवक लग रहे हैं अभी? तो संभावित एक ही लग रहा है, यदि इसको कोई बाहरी सपोर्ट होगा तो इस चीज़ को एनालाइज किया जाएगा।